अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे हर एक। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो वैसे मेरा ड्यूटी 3 बजे खलास होता है, आप लोगों को पता है। आज भी मुझे जल्दी छुट्टी दिया ये लोगों ने 12:36। वैसे तो 3 बजे खलास होता है लेकिन मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। तो अभी मेरे यहाँ पे हेडफोन्स, ये चाबी वगैरह रखे हुए हैं, मैं जल्दी इनको उठाता हूँ और फिर जाता हूँ घर। मजा ही मजा। तो चलो जल्दी इनको उठाते हैं, ये देखो सारे। तो चलो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ घर, उसके बाद पता नहीं क्या करता हूँ, जो करता हूँ फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यार बाहर निकलते ही हवा चल रहा है, गर्मी का फील आ रहा है अभी। तो चलो गाइस अभी चलता हूँ घर। गाइस अभी आप लोग देखो ये रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे ये रास्ता इतना ज्यादा पसंद है। इस साइड भी ग्रीनरी, इस साइड भी ग्रीनरी, जबरदस्त है ये रास्ता। और इधर रश भी इतना नहीं है, इतना नहीं बल्कि है ही नहीं रश। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे सिर्फ एक ही गाड़ी आ रहा है, बस एक मैं हूँ। तो पूरा रोड साफ है। आप लोग कॉमेंट करके बताना आप लोगों को ये रास्ता कैसा लग रहा है, ये मेरा फेवरेट रास्ता है। और अभी थोड़ा मैंने गाड़ी यहाँ पे रोक दिया, आप लोगों को ये रास्ता दिखाऊंगा। आप लोग ये रास्ता देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा रश है। तो उस साइड भी अच्छा है लेकिन उधर रश ज्यादा है। तो चलो अभी मैं इस रास्ते से जाता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि ये रास्ता कहीं और जाता है। तो एक दिन फिर मैं यहाँ से गया, तो अभी मैं हमेशा इस रास्ते से जाता हूँ। तो चलो अभी चलते हैं घर। तो दूसरा रास्ता ये है। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुंच गया हूँ घर। अभी जाके घर में नमाज पढ़ता हूँ, वहां पे मैंने नहीं पढ़ा। यार इधर देखो, 2-3 दिनों से बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं आ रहा है, मैं बारिश का वेट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे हर एक। यार बहुत मुश्किल से अभी मैं उठ गया हूँ, इतना नींद आ रहा था। यार हम लोग रात को सहरी तक बैठते है ना, फिर इतना नींद आता है सुबह टाइम, उठने को दिल भी नहीं करता कसम से। बहुत मुश्किल से मैं उठता हूँ, तो अभी भी बहुत मुश्किल से उठ गया। आप लोग मेरे आंखें देख सकते हो, बार बार बंद हो रहा है, दिल कह रहा है अभी भी सो जाऊं लेकिन नहीं सो सकता हूँ। अभी जा रहा हूँ ड्यूटी, फिर भी मैं जल्दी थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। ये शकील ना, वो तो बस हमेशा ऐसा लगता है उसके लिए रात दिन है, दिन रात है, वो कभी भी नहीं सोता है। रात को इतना देर तक मोबाइल चलाता है चलाता है। फिर वो बच्चे भी दोनों इसी तरह, वकास और समीरा, उसको कितना बोलते हैं हम लोग आप लोग सो जाओ, फिर भी वो लोग नहीं सुनते हैं। ये सब एक तरीके से देखो तो शकील की गलती। शकील देर तक मतलब जागता है तो फिर बच्चे लोग भी जागते हैं, मतलब जिस तरह अगर का माहौल होता है फिर बच्चे भी उस तरह होते हैं। अभी तो बाकी भी सब लोग सोए हुए हैं, बस अभी मैं मुश्किल से जाग गया हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, आप लोग भी आ जाओ। और इस टाइम देखो पार्क बिल्कुल बंद है, किसी का भी दिल जाने को नहीं करता है, अगर किसी का दिल करे भी वैसे बंद है। लेकिन सुबह टाइम किसी को भी पार्क अच्छा नहीं लगता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को सुबह टाइम घूमना अच्छा लगता है या इवनिंग टाइम। मुझे तो इवनिंग टाइम बहुत पसंद है। ऐसे सुबह टाइम में तो बोलता हूँ, बस सुबह नहीं पूरा दिन को मैं बोलता हूँ अपने घर में और घर के भी कमरे के अंदर बैठूं, मुझे बाहर अच्छा नहीं लगता। जब इवनिंग टाइम होता है तो फिर मुझे अच्छा लगता है। अभी इधर देखो पूरा रोड खाली है, कोई भी नहीं है इस टाइम। और मेरे ख्याल से आप लोग ये रास्ता मेरे ब्लॉग में अभी देख रहे हो, मैंने यहाँ पे कभी भी शूट नहीं किया। ये रास्ता बिल्कुल गांव जैसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। तो चलो अभी मेन रोड पे हम जाते हैं, तो वहां पे मैं शूट नहीं करता हूँ, सही भी नहीं है। तो चलो अभी मैं चलता हूँ ड्यूटी, वहां पे आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं पहुंच गया हूँ अपनी ड्यूटी। बेल्ट को रिलीज करते हैं और थोड़ा आप लोगों को व्यू भी दिखाते हैं। तो ये देखो माशाल्लाह आप लोग व्यू कैसा लग रहा है। अभी थोड़ा धूप है, इतना अच्छा नहीं लगता है इंसान को सुबह सुबह, अगर इधर बादल छाए हुए हो ना।
फिर बहुत जबरदस्त लगता है। थोड़ा धूप में सुबह सुबह इंसान को अच्छा नहीं लगता है। चलो अभी मैं भी जाता हूँ अंदर। अरे अल्लाह, कितना लेजी फील कर रहा हूँ। ये देखो गाइस, गाड़ी से उतरते ही मुझे नीम का दरख्त दिख गया। पहले भी मैंने शायद देखा, बस नोट नहीं किया था। तो चलो अभी चलते हैं, गेट खोलते हैं। आजकल दुबई में हवाएं बहुत ज्यादा चल रही, हवाएं खत्म नहीं हो रही। गाइस मैंने गेट पहले खोला था, फिर मैं सोचा चलो एक शॉट लेते हैं खोलने का। आप लोगों को प्रॉपरली दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने खोला और गया भी अंदर अभी फिर से आप लोगों के लिए। यहाँ से खोला और यहाँ पे देखो माशाल्लाह, ये बारिश की वजह से कितना ज्यादा हो गए, पहले इधर और भी ज्यादा थे। और आई थिंक ये देखना नहीं था, पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखा। यहाँ पे बहुत है और यहाँ पे तो ये बेचारे थोड़े बहुत हैं। वो पूल देखो, वो सबसे खूबसूरत पूल है पाकिस्तान में। हमारे घर में ये पूल था लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल से वो खुश्क होके खत्म हो गया। यहाँ पे तो माशाल्लाह हर गली में ऐसे पूल है। और ये लीमो है तो ये भी खुश्क हो गया है। एक ही लीमो है, पता नहीं दो है। देखो यहाँ से ये सही है, ग्रीन है, वहाँ से खुश्क है। तो चलो अभी चलते हैं और भी अंदर। अभी इसका चाबी किधर है? गाइस देखो मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। मैंने चाबी से गेट खोला, इधर देखो, फिर मैंने चाबी यहाँ पे छोड़े हैं। तो वो भी इसी चाबी से खुलता है ना, लेकिन मैं उधर ही भूल गया। अभी हाथ एक ही है, इसको इधर रखते हैं। शायद आप लोग सोच रहे हो ये राजू क्यों हमेशा उठाता है इसके अंदर, क्योंकि मैं अपना आईफोन रखता हूँ। मैसेज आया इसके अंदर, क्योंकि मैं अपना आईफोन रखता हूँ ना। तो एक मिनट, ये दरवाजा खोल के फिर आप लोगों को बताता हूँ। अभी फिर से देखो इधर भूल गए क्या यार। अच्छा इसका स्टोरी अभी आप लोगों को बताता हूँ। ये मैं क्यों उठाता हूँ, इसके अंदर अपना आईफोन रखता हूँ क्योंकि मुझे डर है मेरे आईफोन कैमरा खराब ना हो, तो इसी वजह से मैं इसके अंदर रखता हूँ। अगर इसका कैमरा का प्रोटेक्ट होगा ना फिर सही है। ऐसे कवर भी आते हैं लेकिन देखता हूँ वो लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। शकील बोलता है फिर उससे खूबसूरत नहीं दिखता है आईफोन, तो इसी वजह से मैं अभी इसके अंदर डाल रहा हूँ, देखता हूँ बाद में लेता हूँ। तो ये इसी वजह से हमेशा मेरे हाथ में होता है। आप लोगों ने नोट तो किया, हर ब्लॉग के अंदर मेरे हाथ में है। तो बस अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, उसके बाद काम तो नहीं है। नींद की वजह से ऐसा हो रहा है, जब शायद नींद पूरा नहीं होता है या नींद से सुबह सुबह उठो तो फिर यही करवट क्या बोलते हैं इसको, ऐसे अंगड़ाइयाँ, फिर अंगड़ाइयाँ इंसान लेता है। तो चलो बाद में आप लोगों से मिलता हूँ। गाइज इस ब्लॉग का मैंने एंडिंग नहीं लिया, मैं सोच रहा था अभी तक ये ब्लॉग छोटा है तो अभी मैंने फुल एडिट किया। ये आई थिंक 8 मिनट का बन गया, तो अभी इसी वजह से मैं अभी इस ब्लॉग का एंडिंग ले रहा हूँ। तो बस अभी इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और मेरे चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।